हूं मैं महेंद्र पांडे, आप लोगों का अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मेरे कंप्यूटर बेसिक कोर्स का 10 डेज क्लास है और आज की क्लास का मेरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आउटपुट डिवाइसेस। पिछली क्लास जो मैंने दी प्रोसेसिंग डिवाइस इनपुट डिवाइसेस, उसी का पार्ट है आप आउटपुट डिवाइसेस, बिकॉज उससे पीछे की क्लास में मैंने आपको पार्ट ऑफ कंप्यूटर पढ़ाया, जिसमें कंप्यूटर में दो पार्ट होते हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। और हार्डवेयर तीन प्रकार का होता है, इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइसेस, जिसमें मैं इनपुट एंड प्रोसेसिंग पढ़ा चुका हूं। और आज की क्लास मेरी जो है वो आउटपुट डिवाइसेस पर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बिकॉज आपको जितने भी आप कोई भी कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं या कोई भी कंप्यूटर से रिलेटेड एग्जामिनेशन आप कर रहे हो, ट्रिपल सी के एग्जाम के लिए तो बहुत ही जरूरी है, बिकॉज इसमें आपका इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइसेस से क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को वेरी केयरफुली आप देखेंगे, वीडियो को लास्ट देखेंगे। वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लाइक जरूर करिएगा, हमारे वीडियोस को आप शेयर जरूर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियोस मिल पाए। तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी कर लें। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है। हम देखते हैं आउटपुट डिवाइसेस, सबसे फर्स्ट हम आउटपुट समझते हैं, आउटपुट क्या होता है। पिछली क्लासेस में मैंने आप लोगों को बताया, चूंकि कंप्यूटर जो है वो आईपीओ टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है, इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट, तो इनपुट के लिए इनपुट डिवाइसेस की जरूरत होती है, प्रोसेसिंग के लिए प्रोसेसिंग डिवाइस, एंड आउटपुट के लिए, आउटपुट क्या होता है, रिजल्ट, जिसके द्वारा हम परिणाम प्राप्त करते हैं। इनपुट का क्या वर्क है, प्रोसेसिंग डिवाइस का क्या वर्क है, मैं पिछली क्लासेस में बता चुका हूं। जिसने भी मेरी पिछली वीडियोस ना देखी हो, वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, वहां से उस वीडियो को प्राप्त कर सकता है। और जब सारी वीडियोज आप सिस्टमैटिक ढंग से देखेंगे, बिकॉज मेरी जो क्लासेस है मेरी वो सिस्टमैटिक ढंग से चल रही है, स्टेप बाय स्टेप, तो वीडियो अगर आप स्टेप बाय स्टेप देखते हैं तो आपको कंप्लीट नॉलेज हो पाएगा। तो इनपुट के बाद प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग के बाद का जो परिणाम प्राप्त करना होता है, तो जिन डिवाइसेस के माध्यम से हमें परिणाम प्राप्त होता है, जिन डिवाइसेस से हमें परिणाम मिलता है, उसे हम आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। और आउटपुट डिवाइसेस जो है वो आपके आउटपुट के हिसाब से डिपेंड करता है कि आउटपुट कितने प्रकार का होता है। आउटपुट दो प्रकार, जैसे कंप्यूटर के दो पार्ट होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, उसी तरीके से जो आउटपुट हम प्राप्त करते हैं वो हम दो तरीके से प्राप्त करते हैं, एक है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट और एक है हार्ड कॉपी आउटपुट। आप देखें टाइप ऑफ आउटपुट, आउटपुट का मैं प्रकार बता रहा हूं, आउटपुट दो प्रकार का होता है, देयर आर टू टाइप ऑफ आउटपुट। तो आउटपुट दो प्रकार का होता है, एक है आपका सॉफ्ट कॉपी आउटपुट और दूसरा है हार्ड कॉपी आउटपुट। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट के लिए जो डिवाइसेस यूज की जाती हैं उसे हम सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं, और जो हार्ड कॉपी आउटपुट है, हार्ड मतलब जैसे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का जो आपने परिभाषा जाना, सिंपल सा मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं कि ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर कॉल्ड हार्डवेयर, कंप्यूटर में यूज होने वाले सभी इंटरनल एक्सटर्नल पार्ट को हम हार्डवेयर कहते हैं, जो टचेबल होते हैं, जिसको हम छू करके महसूस कर सकते हैं। एंड ऑल प्रोग्राम्स कंप्यूटर कॉल्ड सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में यूज होने वाले, कंप्यूटर में चलने वाले सभी प्रोग्राम्स को कहते हैं, जो हम छू करके महसूस नहीं कर सकते, उसको हम विजुअली देख सकते हैं या हम ऑडियो से सुन सकते हैं। ऐसे जो आउटपुट होते हैं उन्हें हम आपका सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कहते हैं, और जो टचेबल आउटपुट होते हैं उन्हें हम हार्ड कॉपी आउटपुट कहते हैं। तो हम देखते हैं कि वो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट हम किस डिवाइस से प्राप्त करते हैं और हार्ड कॉपी आउटपुट हम किस डिवाइस से प्राप्त करते हैं। आप देखें आउटपुट डिवाइसेस को मैंने टू टाइप में वर्गीकृत किया है, एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस एंड हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। तो सॉफ्ट कॉपी के लिए कौन कौन सी आउटपुट डिवाइसेस यूज की जाती है, मॉनिटर वो आउटपुट डिवाइस है जो आपको विजुअल रिजल्ट प्रोवाइड करता है। आप सिस्टम की हैंडलिंग करते हैं, चाहे आप डेस्कटॉप यूज कर रहे हो, चाहे आप लैपटॉप यूज कर रहे हो, कॉम्पटॉप यूज कर रहे हो, कोई भी ऐसा कंप्यूटर आप यूज कर रहे हैं, तो विदाउट डिस्प्ले आप कोई भी वर्क नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो आप इनपुट देते हैं उसकी प्रोसेसिंग करके जो सीपीयू से रिजल्ट मिलता है वो आउटपुट डिवाइस के माध्यम से आप कोई भी वर्क, कोई भी डॉक्यूमेंट मेंटेन कर रहे हैं, कोई स्प्रेडशीट मेंटेन कर रहे हैं, कोई ग्राफिक्स आप बना रहे हो, तो आपको मॉनिटर से ही वो सारी चीजें पता चलती हैं, सारे रिजल्ट आपको मॉनिटर पर मिलते हैं। तो मॉनिटर एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर से कोई भी आइकन आप नहीं निकाल सकते, ग्राफिक्स आप देख सकते हो, आइकन्स देख सकते हो, पॉइंटर चलाओगे पॉइंटर दिखेगा चल रहा है, बट आप उसको पकड़ के नहीं सकते, तो वो एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट हुआ। स्पीकर, जैसे मैं स्पीक कर रहा हूं, आपको आवाज मेरी सुनाई दे रही है, तो स्पीकर वो होता है जो स्पीक करता है, जिससे जो आवाज जिसके माध्यम से आपको प्रेषित हो जाती है।
तो वो ऑडियो आउटपुट है और वो भी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है, ऑडियो को पकड़ा नहीं जा सकता, वो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है। तो ये भी आपका ऑडियो जो स्पीकर से प्राप्त होता है ये भी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट देता है। हम सुन करके महसूस करते हैं, देख करके महसूस करते हैं, मॉनिटर से स्पीकर से सुन करके महसूस करते हैं, बट हम ऐसा नहीं कर सकते कि ऑडियो को पकड़ अपने ईयर को बंद कर सकते हैं, बट हम साउंड को पकड़ना चाहें, ऑडियो को पकड़ना चाहें तो हम नहीं कर सकते क्योंकि वो सॉफ्ट है। थर्ड है आपका प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर पर आज के टाइम में कोई भी प्रेजेंटेशन दी जाती है, कंपनी के कोई भी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ तो उसका प्रेजेंटेशन व्यू किया जाता है, या क्लासेस में जो स्मार्ट क्लासेस दी जाती हैं वो प्रोजेक्टर बेस पर पढ़ाई जाती है। प्रोजेक्टर आपका बड़ी स्क्रीन हो जाती है जिसको हम बड़े एक डिस्प्ले व्यू पर दिखाते हैं प्रोजेक्टर के माध्यम से, तो प्रोजेक्टर भी है आपका सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है जो फोकस करता है आपके वॉल पर, या जो उसका आपका स्क्रीन वॉल होता है उस पर उसका व्यू जाता है, वहां से हम स्क्रीन को प्राप्त कर पाते हैं। तो प्रोजेक्टर भी आपका एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है जो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रोवाइड करता है। अभी मैं आगे आपको मॉनिटर के, चूंकि मॉनिटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस है, इसके बारे में मैं थोड़ा डीपली जाकर के बताऊंगा आपको। नेक्स्ट हम देखते हैं हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस। हार्ड कॉपी जैसा मैंने भी बताया आपको कि जो टचेबल हो, जिसको हम कहीं ले जा सकते हो, हम डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ऐसे आउटपुट जो हो हमारे, आप देखें जैसे आउटपुट हार्ड कॉपी आउटपुट के लिए प्रिंटर, प्रिंटर से सब परिचित हैं। अगर हमें कोई भी आपका रिजल्ट पेपर पे, ऑन पेपर हमें रिजल्ट चाहिए होता है तो वो प्रिंटर से प्राप्त होता है, और प्रिंटर एक आपका हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट हम देखें प्लॉटर। प्लॉटर से बड़े बड़े फ्लैग्स बनते हैं, मैप्स निकाला जाता है, जो हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक्स प्रोवाइड करते हैं, हाई क्वालिटी ग्राफिक्स आपके प्लॉटर से प्राप्त होती है। आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है कि हाई ग्राफिक्स आउटपुट हम कहां से, हाई रेजोल्यूशन या हाई ग्राफिक्स आउटपुट हम कहां से प्राप्त करते हैं, तो प्लॉटर ही वो डिवाइस है जिसके द्वारा हम हाई ग्राफिक्स हाई रेजोल्यूशन में आउटपुट को प्राप्त करते हैं। तो हार्ड कॉपी में, हार्ड कॉपी आउटपुट में दो आउटपुट डिवाइसेस आपका, एक प्रिंटर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और प्लॉटर है। प्रिंटर और प्लॉटर के बारे में मैं अभी डीपली आपको बताऊंगा। तो आपने देखा आउटपुट डिवाइस में सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस एंड हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस। सॉफ्ट कॉपी में मॉनिटर, स्पीकर एंड प्रोजेक्टर, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस में प्रिंटर एंड प्लॉटर। हम आगे देखते हैं मॉनिटर्स का थोड़ा डीपली देखते हैं, क्योंकि मॉनिटर एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें और डीपली जाकर के हम आपको बताएंगे, जिससे आपके कई सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। प्रिंटर में थोड़ा डीपली जाकर के, प्लॉटर में डीपली जाकर के हम और बताते हैं आपको। अब हम मॉनिटर एंड प्रिंटर को डीपली समझते हैं। सबसे फर्स्ट हम मॉनिटर को देख लेते हैं। मॉनिटर कितने प्रकार का होता है? देखिए मॉनिटर जो होता है दो प्रकार का होता है, एक है आपका सीआरटी और एक है आपका एलसीडी। सीआरटी का पूरा नाम मैंने यहां नीचे लिखा हुआ, आप ध्यान से देखेंगे, कैथोड रे ट्यूब्स। ये पुरानी टेक्नोलॉजी है, आप देखते होंगे जो टीवी सा बड़ा सा मॉनिटर जो होता था पहले, उसे हम सीआरटी कहते थे। आज के टाइम में जो पतला फ्लैट चलता है उसे हम एलसीडी कहते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम सीआरटी देख लेते हैं, कैथोड रे ट्यूब्स। सीआरटी मॉनिटर जो होता था दो प्रकार का होता था, एक था आपका मोनोक्रोम और एक कलर। मोनोक्रोम मॉनिटर वो होता था जिसमें कहीं कहीं आपको मिलता है मोनोक्रोम ग्रेसिकल एंड कलर, बट मोनोक्रोम ब्लैक एंड व्हाइट को बोलते हैं, और ब्लैक एंड व्हाइट का जो फाइन कलर होता है उसे हम ग्रेसिकल कहते हैं। तो एक है आपका मोनोक्रोम और एक है आपका कलर। कलर में सारे मल्टी कलर्स दिखते हैं जो कि बहुत ही फाइन कलर होता है। इसमें भी व्यू थोड़ा सा चेंज हुआ है, फ्लैट पैनल भी आता था, इसमें फ्लैट रहता था और पहले थोड़ा सा कर्व भी रहता था, तो जो मोनोक्रोम था वो कर्व भी था और जो कलर में था वो बाद में फ्लैट में आया। तो ये सीआरटी आपका कैथोड रे ट्यूब्स। अब हम देखते हैं एलसीडी, जो आज की टेक्नोलॉजी चल रही है, जिसे हम एलसीडी मतलब होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और एलसीडी जो है मॉनिटर, एलसीडी मॉनिटर जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक टीएफटी और एक एलईडी। टीएफटी मीन्स क्या होता है? थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, जो फ्लैट में पतली स्क्रीन होती है, टीएफटी मीन्स थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। तो एलसीडी के प्रकार है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। और दूसरा आपका एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। इसमें और इसमें एक बहुत बड़ा अंतर है। इसमें क्या होता था, हम किधर से भी वीडियो
देख लेते थे, साइड से भी हमको क्लियर दिखता था, बट एलईडी वगैरह में अगर आप साइड हो जाएंगे तो आपको पिक्चर क्लियर नहीं मिलेगी, ये थोड़ी सी दिक्कत होती है, वो ब्लैक ब्लैक सा दिखने लगता है। और एक चीज आपको और मालूम हो कि जो मॉनिटर आउटपुट हमारे सामने, मैंने मॉनिटर का भी विवरण दिया हुआ है इधर, मैं प्रिंटर भी अभी आपको समझा रहा हूं, तो मॉनिटर जो आउटपुट आपको देता है उसका जो रेजोल्यूशन होता है वो आपका पीपीआई में होता है, पिक्सल पर इंच, और जो प्रिंटर का आउटपुट रेजोल्यूशन होता है वो डीपीआई में होता है, डॉट पर इंच। तो ये है मॉनिटर। मॉनिटर में दो प्रकार के होते हैं, सीआरटी एंड एलसीडी। सीआरटी में आपने देखा मोनोक्रोम एंड कलर, एंड एलसीडी में आपने देखा टीएफटी एंड एलईडी। वैसे मॉनिटर जो है पहले उसकी टेक्नोलॉजी देखी जाए तो सीजीए है, ईजीए है, वीजीए है, एक्सजीए है और एसवीजीए है। आज के टाइम में सुपर वीडियो ग्राफिक्स अडाप्टर चल रहा है। अब हम देखते हैं प्रिंटर। प्रिंटर जो है आपका, जो एक हार्ड कॉपी आउटपुट है, ये आपका सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है और ये आपका हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। और हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस जो प्रिंटर और प्रिंटर दो प्रकार का होता है, एक नॉन इंपैक्ट और एक इंपैक्ट। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर नॉइसी नहीं होते, इंपैक्ट प्रिंटर ज्यादा नॉइसी होते हैं। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में आपका, आप देखें नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में इंकजेट है। इंकजेट बेसिकली हर जगह देखने को मिलता है, नॉर्मल वर्क के लिए हम इंकजेट प्रिंटर रख लेते हैं और उससे हम कलर ग्राफिक्स अच्छे में ग्राफिक्स हम लेते हैं, लगभग 300 डीपीआई रेजोल्यूशन इसमें मिलता है। तो ये आपका इंकजेट प्रिंटर है। इंकजेट प्रिंटर के बाद लेजर प्रिंटर है, जो कि नॉन इंपैक्ट में बेस्ट प्रिंटर माना जाता है, बिकॉज लेजर प्रिंटर की स्पीड बहुत तेज होती है और इसमें जो कलर कार्ट्रिज लगता है, इंकजेट में लिक्विड इंक कार्ट्रिज लगता है और लेजर प्रिंटर में आपका टोनर कार्ट्रिज लगता है, सूखी स्याही लगती है। इंकजेट, लेजर, नेक्स्ट आपका थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर भी बड़े ज्यादा प्रिंटिंग के लिए, अगर हमें ज्यादा प्रिंट का वर्क करना है तो थर्मल प्रिंटर का यूज हम करते हैं। फोटो प्रिंटर, फोटो को प्रिंट करने के लिए, लैब वगैरह में फोटो को प्रिंट करने के लिए फोटो प्रिंटर लगता है। अगर हम छोटे में देखें तो स्टूडियो वगैरह में एप्सन का छोटा प्रिंटर यूज करते हैं, जो फोटो के लिए, जिसमें अच्छे कलर में फोटो प्राप्त हो जाता है, या लैब वगैरह में इसका यूज किया जाता है। इसके बाद है ऑल इन वन प्रिंटर। ऑल इन वन प्रिंटर क्या करता है, जैसे इसमें फोटो कॉपियर भी होता है, स्कैनर भी होता है और फैक्स भी होता है, प्रिंट भी कर सकते हैं, तो ये ऑल इन वन प्रिंटर होता है। इसी में जीरोक्स प्रिंटर होता है, हाई स्पीड प्रिंटर आता है, वो मैंने सब में ही लिखा है, तो ये नॉन इंपैक्ट प्रिंटर कहे जाते हैं। अब हम इंपैक्ट देखते हैं। इंपैक्ट प्रिंटर जो होते हैं वो काफी नॉइसी होते हैं। इसको हम, इसकी स्पीड, वैसे जो इनका प्रिंट करने का मेथड है उसके हिसाब से देखा जाए तो इंपैक्ट प्रिंटर जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक आपका कैरेक्टर प्रिंटर और एक आपका लाइन प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर का मतलब होता है जो कैरेक्टर कैरेक्टर प्रिंट करता है, एंड स्पीड के हिसाब से देखें तो एक लो स्पीड प्रिंटर और एक हाई स्पीड प्रिंटर है। आपको ऐसे भी समझ में आ रहा होगा, जो कैरेक्टर कैरेक्टर प्रिंट करेगा वो लो स्पीड प्रिंटर होगा और जो लाइन लाइन प्रिंट करता है वो हाई स्पीड प्रिंटर होता है। बड़े ऑफसेट्स में आपको लाइन प्रिंटर देखने को मिलते हैं। कैरेक्टर प्रिंटर तो आपको अक्सर सब जगह देखने को मिलता है, जैसे मेडिकल सेंटर में या फिर पोस्ट ऑफिस में या बैंक वगैरह में ज्यादातर आपको डीएमपी प्रिंटर मिलता है। डीएमपी बोलते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इसका जो प्रिंट हेड होता है 7 पिन 9 पिन 14 पिन 24 पिन, इस तरह के पिन होते हैं जो पिन वाइज, और इसमें जो कार्ट्रिज यूज होता है, इन जो कार्ट्रिज जिसके जिस जो इस कलर से हम प्रिंट करते हैं वो कार्ट्रिज में रिबन कार्ट्रिज लगता है। डेसिबील और डीएमपी चूंकि दोनों ही कैरेक्टर प्रिंटर होते हैं तो इनमें सब में आपका रिबन कार्ट्रिज लगता है, तो डीएमपी का पूरा नाम होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये लो स्पीड प्रिंटर कहे जाते हैं, चलता है तो खचखच खचखच की आवाज आती है, ये नॉइसी प्रिंटर होते हैं। ऑफसेट में लाइन प्रिंटर अगर यूज किए जाते हैं, अभी ऑफसेट के अगर बगल से आप गुजर जाओ, ऑफसेट चल रहा हो तो खड़पड़ खटपट खटपट करके आपको आवाज सुनाई पड़ती है, मतलब वो ज्यादा नॉइसी होते हैं। बट नॉन इंपैक्ट प्रिंटर नॉइसी नहीं होते, ऑफिस वगैरह में इसको हम यूज करते हैं। तो ये आपका हो गया डीएमपी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट डॉट प्रिंट करता है। डेसीव्हील, डेसीव्हील में जो प्रिंट हेड होता है वो व्हील पर होता है और रिबन कार्ट्रिज के थ्रू व्हील चलता रहता है और प्रिंट करता रहता है, ये आपका डेसीव्हील प्रिंटर कहा जाता है। एंड लाइन प्रिंटर, लाइन प्रिंटर जो है इसमें तीन मेन है, एक बैंड प्रिंटर है, चेन प्रिंटर है एंड ड्रम प्रिंटर है। ये कैरेक्टर पर मिनट देता है, सीपीएम कैरेक्टर पर मिनट, और ये लाइन पर मिनट देता है। इसमें लाइन पर मिनट एंड कैरेक्टर पर मिनट स्पीड डिपेंड करता है। तो बैंड प्रिंटर जो बैंड पर लगा हुआ होता है, इसमें बैंड होता है जिस पर
डॉट्स होती है या प्रिंट हेड लगा होता है, उस पर अपना मास्टर लगा देते हैं और प्रिंट निकल आता है। चेन प्रिंटर, इसमें चक्के लगे होते हैं, जो गियर होता है उस पर आपका चेन लगा होता है, जिससे वो आपके जो आप प्रिंट के लिए मटेरियल देते हो धीरे धीरे उसको लेता रहता है और प्रिंट करता रहता है, स्पीड प्रिंटिंग करता है, ये हाई स्पीड प्रिंटिंग करते हैं सब। इसके बाद आपका ड्रम प्रिंटर, जो भी लाइन प्रिंटर, ये सब लाइन प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं और ये काफी हाई स्पीड में प्रिंटिंग को करते हैं। तो बड़े वर्क प्रिंटिंग के जो होते हैं वो लाइन प्रिंटर के माध्यम से करते हैं। तो आपने देखा मॉनिटर एंड प्रिंटर को डीपली आपने समझा, इन सब से आपको क्वेश्चंस मिलना श्योर है, चाहे जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं। ट्रिपल सी के स्टूडेंट तो बहुत ही केयरफुल इसको आप देखेंगे, बिकॉज इससे आपको क्वेश्चंस मिलने ही मिलने, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब थोड़ा सा प्लॉटर के बारे में ऐसे समझ लेते हैं। जो प्लॉटर होता है वो मेन दो तरीके से प्लॉटर होता है, एक आपका होता है फ्लैट बेड प्लॉटर और एक ड्रम प्लॉटर होता है। वैसे एक इंकजेट प्लॉटर भी होता है छोटे वर्क के लिए। तो प्लॉटर से बड़ी ग्राफिक्स हम निकालते हैं, और मैंने भी आपको बताया कि प्लॉटर जो होता है वो हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक्स प्रोवाइड करता है और प्रिंटर से भी फाइन प्रिंटिंग करता है। तो ये है आपके आउटपुट डिवाइसेस, और मैंने आउटपुट डिवाइसेस को डीपली बताया। किसी भी टाइप का आप कोर्स कर रहे हैं या आप नॉलेज रखना चाहते हैं तो आपको डीपली नॉलेज होगा, इतना अगर आपको मालूम है आउटपुट डिवाइसेस में, तो आप आउटपुट डिवाइस से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।